नमस्कार। इंडिया के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पड़ने वाला एक बहुत ही सुंदर राज्य, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। बर्फ की इन पहाड़ियों में बसा हुआ इंडिया का एक बहुत ही सुंदर राज्य सिक्किम, आज हम लोग इस वीडियो में सिक्किम के ट्रेडिशनल फैशन के बारे में ही करने वाले हैं बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिक्किम में बसे हुए तीन तरह के लोग लेपचास, भुटिया और नेपालीस हैं, जिनमें से हम लोग आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं लेपचा वुमेन्स ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में। सिक्किम की लेपचा जनजाति में लेपचा महिलाओं को दमवम कहा जाता है। दमवम महिलाओं के पोशाक की बनावट एक ढीली ढाली पोशाक, जिसे कि नयामरिक कहा जाता है, और इस पोशाक में तारो बेल्ट और जिरका कपड़ा शामिल होता है, और नीचे से पहने जाने वाला टैको ब्लाउज भी इसी में ही शामिल है। बात करते हैं सिक्किम के दूसरे लोगों की, भुटिया वुमेन्स की ड्रेस के बारे में। इनकी पोशाक को खो और बकू के नाम से जाना जाता है। ये पोशाक कॉटन और सिल्क दो तरह के कपड़ों में होते हैं। पोशाक की बनावट में गर्दन से लेकर कमर तक एक पट्टी का डिज़ाइन, जिसके साथ की रेशम या सूती बेल्ट होती है जिसे कि पेंगडन कहा जाता है, और ऊपर एक जैकेट होती है जिसे कि कुशन कहा जाता है। भुटिया स्त्रियों की इन पोशाक का डिज़ाइन बाकी स्त्रियों की पोशाकों से कुछ अलग है। इन पोशाक के साथ सिर को ढकने के लिए सिक्किम की ही एक फेमस टोपी है शंबू कैप, जिसके साथ की इनका ये पहरावा पूरा होता है। अंत में बात करते हैं सिक्किम में रहने वाली नेपाली वुमेन्स के ड्रेस डिज़ाइन के बारे में बात। तो नेपाली लोग, जिन्हें कि सिक्किम में फारिया कहा जाता है, फारिया महिलाएं चौबंदी चोलो नामक लंबे ब्लाउज पहनती हैं, जो कि हेम्ब्री नामक कपड़े से ढके होते हैं, और इसी के साथ पचोरी, सिर को ढकने के लिए एक कपड़ा इनमें ही शामिल है, और इन महिलाओं के कपड़े हल्के गहरे रंग के होते हैं। नेपाल के लोगों की कुछ जनसंख्या का हिस्सा सिक्किम में बसा हुआ है। तो आइए फैशन के अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्किम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिज़ाइन की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं भुटिया वुमेन्स की ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में। तो भुटिया वुमेन्स की ज्वेलरी में खाओ नेकलेस, फेरू पर्ल ऑर्नामेंट, येंचो इयररिंग्स, दियू बैंगल्स, खली एंकलेट और जोको रिंग, ये सब शामिल है, और ये सब ज्वेलरी ही इन महिलाओं के पहरावे का अंतिम हिस्सा है। तो अंतिम में बात करते हैं फारिया नेपाली वुमेन्स ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में, जिनके कि पहले नेकलेस ज्वेलरी में शामिल है नौकरी, कांथा या कोंडा और तलहरी, और एक और भारी नेकलेस टिकमा नेकलेस, और दो और चांदी के नेकलेस, जिसमें कि पहला है सिल्वर शिरपा नेकलेस और दूसरा है कॉइन नेकलेस, और अंतिम गहना है सोने और मोतियों के द्वारा बनाया गया सिक्किम की महिलाओं का मंगलसूत्र। और हेडगियर ज्वेलरी में शामिल है तियारा या चंद्रमा क्लिप और समयांग फुंग टीका। नोज ज्वेलरी में शामिल है बोलाकी, जो कि है नोज रिंग, और दूसरी है डूंगरी नोज पिन, और कानों में पहने जाने वाले नामचोक इयररिंग्स के साथ ही एक बड़े गोल सिल्वर कलर के इयररिंग्स होते हैं। और बैंगल्स ज्वेलरी में शामिल है सिल्वर ब्रेसलेट और पंचरत्ना बाला, जिनमें से कि पंचरत्ना बाला इन औरतों का चूड़ा कहलाता है। और पैरों में पहने जाने वाले गहनों में सिल्वर की कली। तो सिक्किम की महिलाओं की ज्वेलरी के डिज़ाइन यहीं पर ख़त्म होते हैं, और सिक्किम में रहने वाले इन नेपाली लोगों को लेम्बू के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं सिक्किम के फुटवेयर फैशन के डिज़ाइन के बारे में। और चमड़ों से बने इन जूतों को सिक्किम में सैम्पू के नाम से जाना जाता है।
तो इन सिक्किम में रहने वाले लोगों की ट्रेडिशनल फैशन की वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में आप जानेंगे सिक्किम के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन के बारे में। तब तक के लिए देखते रहें YouTube के चैनल इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइन को। धन्यवाद।